हाय, नमस्कार नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग चैनल के अंदर। तो फिर से हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर, हम लोग हमारे एक भांजे की शादी है, तो भांजे की शादी के अंदर यहाँ पर आज 3 से 4 क्विंटल का बघार चावल, बड़े के डलियाँ, बड़े का गोश्त, चिकन और दालचा, ये सब यहाँ पर आज बनने वाला है। तो वो किस तरह यहाँ पर हमारे बीजापुर स्टाइल के अंदर बनाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे जो भटार हैं उनका नाम क्या, नाम क्या भाई आपका? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई आप बीजापुर में रहते हैं? यहाँ से बीजापुर मीनाक्षी चौक में। अगर तुमना भी अगर क्या भी शाहजहाँ में खाना खाना पकाने का रहा है तो मुन्ना भाई का कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर इनको कांटेक्ट करो। बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं, बघार चावल, गोश्त का सुक्का, और बिरयानी बनाना तो बिरयानी भी मिलती है। जरा आवाज़ करो ना, करे जरा, तेरा बंद करो, वो आया कॉपरेट आता मना। हाँ, ये कई कई के तो म्यूजिक आएगा तो नहीं होता है। क्या क्या बनाते हैं साहब? आज बन रहा है दालचा, चावल, रवे का मिट्टा, चिकन का सुक्का, बड़े का सुक्का। अच्छा, स्पेशल मिट्टा बन रहा होगा? स्पेशल मिट्टा बनता है आज। हाँ, तो तुम्हें तो ये वीडियो बहुत 2-3 दिन के बाद देखते रहते हैं, तुम्हारा तो मिलता नहीं खाने है। यहाँ आशीष जरा देख को जरा अच्छा लगेगा तो जरा वहाँ से मुँह में जरा पानी छोड़ को जरा हमारे वीडियो को लाइक करो साहब। मुन्ना भाई का नंबर दे तो जरूर कांटेक्ट करो। जरा मुँह जरा पूरा वाकड़ा तिकड़ा हुए, जरा क्या समझो नको रासारी जागे से पीछे है इनको मेन। मेंटेनेंस है ये शीरिंग बालांगे रे, जरा 4 बालां तो देते रे सामने के। हाँ, क्या करते रख ले बाला वो? हाँ, मैं जरा मेरे शीरिंग बाला में जरा चिपकाएगा तो मैं जरा शूटिंग का तो करता हूँ। हाँ, तो चलो हमें खाना बनाने की शूटिंग करता हूँ अभी, तो देखो वीडियो लास्ट तक आखिर तक। तो चलिए अभी प्याज वाज काट रहे हैं हमारे भटार, तो प्याज किस तरह काटा जाता है देख लीजिए। अभी कम से कम 3 से 4 क्विंटल का खाना बनने वाला है आज, तो यहाँ पर प्याज काट रहे हैं हमारे भटार के साथी, तो बहुत ज़ोर शोर से, बहुत ही गड़बड़ से काट रहे हैं प्याज। तो इसके बाद में बघार चावल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है वो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं ये, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अब तो चूल्हा तो सिलक चुका है, अभी हमारे भटार साहब यहाँ पर गर्म मसाला और कच्चा मसाला तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ बकेटों के अंदर यहाँ पर देखिए इलायची डाल रहे हैं, इलायची के बाद शाहजीरा। अभी यहाँ पर 3 से 4 क्विंटल का खाना बोले तो अलग 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 मसाला यहाँ पर अलग उसको डिवाइड करके फिर इसको यहाँ पर बघारा जाता है। गर्म मसाले की तैयारी चल रही है। और ये है कच्चा मसाला, ये अदरक का पेस्ट, और ये है लहसुन का पेस्ट, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। वाओ, मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ पर तेल वगैरह डाला जा रहा है, तो 2 देग यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। दोनों देगों में 1.5-1.5 क्विंटल का यहाँ पर आज बघार चावल बनने वाला है। तो यहाँ पर दोनों देगों में तेल बराबर डालकर यहाँ पर इसको प्याज वगैरह डालकर यहाँ पर बघारा जाएगा। तो वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर तेल डाल रहे हैं, उधर के पहली देग में तो तेल डाल दिया है, अब यहाँ देखिए इसमें प्याज डाला जा रहा है। ये लीजिए प्याज, वाव। अभी प्याज यहाँ पर ये गर्म होगी, प्याज यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से ये लाल होने के बाद फिर इसके अंदर बाकी के मसाले डाले जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको ककबीर से यानी कि बड़े चम्मच से इसको हिला जाएगा ठीक, बहुत ही अच्छी तरह से प्याज को लाल होने देंगे। फिर उसके बाद में आगे के वीडियो आप देखते रहिए। तो ये देखिए प्याज तो पूरा लाल हो चुका है, अब यहाँ पर इसके अंदर मसाले वगैरह डाले जाएंगे। दो देर है आया बा भट्ट बड़ा लो कर रहा तो रे वाह 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 वाह।
भाई ने। हाँ बोलो भट्ट साहब। अब इसमें अदरक के पेस्ट, जब पूरी प्याज जब लाल हो जाती है तो अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाला जाएगा। फिर हरी मिर्चियाँ, हरी मिर्चियों को भी यहाँ पर अच्छे तरह से इसके तेल और प्याज और मसालों के साथ बघारा जाएगा। और इसमें दही भी मिलाया जाता है इस बघार चावल को अच्छी तरह से बनाने के लिए। दही, अरे ये लीजिए, ये कोई सामग्री है, ये भटार को ये पता कि क्या डाला जाता है यहाँ पर। और दही, दही तो बहुत अच्छा, उसके मिर्दार के हिसाब से कितने क्विंटल चावल डाल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर दही डालकर इसको ठीक इस बघार के अंदर इस तेल, मिर्ची, प्याज और मसालों के साथ इसको अच्छे तरह से मिलाया जाता है, इसको पकाया जाता है। फिर नमक डाला जाता है स्वादिष्ट अनुसार, नमक डालकर फिर इसको अच्छी तरह से इसको बघारा जाता है। बीजापुर स्टाइल बघार चावल और गोश्त, दाल गोश्त का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का आपको मन करेगा। दोस्तों देख लीजिए हमारा भटार, ये दूसरा देख भी यहाँ पर पानी वगैरह बघार वगैरह करने के बाद यहाँ पर इसको तैयार कर रहे हैं। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। हाँ, वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। जला छोड़ने का क्या क्यों बोल रहा है हमारा? ये बोल रहे भांजे, ये बोल रहे शर्म तक है। अभी रास्ता ही जागे देखो साहब ने। हाँ, रात को 12 बजे क्या घर को गया था, फजर 6 बजे आया उठ को। अभी रास्ता ही हम ही यहाँ बैठे, अभी आपको बोलते हैं ए मैं उतना काम करूँ, इतना काम करूँ, यहाँ चल पानी ढूंढ लगेंगे इसे। ले घड़े ले, वो चावल में पानी भागते। ये हंड हंड 2000 कल मैच के अंदर बैट बंदे 2000 रुपए जीते, आज फुल चैन है। आज मैच फिक्सिंग बात कर तो की बात नहीं आ रही मुंह में, वो भरिया सिंह का बीपी विस्की की बीपी विस्की की इसकी ये सब ए भाग को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ए मैं क्या करूं, बोला कहीं को ए भाई ने कहा पता क्या, बहुत शरीफ बोलो जी, बीपी क्या पीता नहीं क्या हो रहा, कोई एमसी पीते वो सब क्या पीता नहीं, कभी मयत नहीं जाता मैं, लेकिन पीक जाता जी, पीक जाता, पीने वाले मयत को जाता नहीं, पीक जाता है ना। दालचा बन रहा, दालचा दाल है ये, पता करो मेरी या गल को राड़ी भी तो है।
ऊंच डाले तेरे भाई मूंग मसूर हर बार बंद बंद करेंगे अभी गलत रेडी हो अभी कहाँ मशीन लगा दी भाई समझाता देखे देखे देखो तो चावला रेडी हो रहा है यार गलत रेडी हो इधर चावला दम हुए देखा अभी डेढ़ घंटे के अंदर यहाँ पर चावल रेडी दालचा रेडी हो रहा है अभी थोड़ी देर में गोश्त आता है गोश्त का भी इसी के अंदर गोश्त अभी कितना है एक घंटा गोश्त अभी टमाटे डालेंगे दालचे में ठहर अब यहाँ पर गोश अभी आ गया है अभी गोश को यहाँ पर अच्छा ग्रेवी आइटम बनाने के लिए यहाँ पर गोश तेल में डाला जा रहा है तो गोश यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या मसाले डालते हैं किस तरह बनाया जाता है बीजापुर शहर में सुक्का गोश तो वो यहाँ पर बनाने का विधान उसकी सारे तरीके यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ अभी हल्दी डाल रहे हैं मसाला हल्दी ये सब डालने के बाद ये गोश खाने का मज़ा ही कुछ है जब बन जाता है ना तो बहुत ही लजीज होता है अब यहाँ पर बाहर चिकन भी बनाया जा रहा है चिकन का मसाला तैयार किया जा रहा है चिकन का मसाला तैयार होने के बाद यहाँ पर टमाटे वगैरह डाले टमाटे वगैरह डालकर इसमें भी बघार रहे हैं इसको अच्छी तरह बघारने के बाद ये मसाला अच्छी तरह पक जाने के बाद इसमें यहाँ पर थोड़ा मिर्ची वगैरह डालेंगे मिर्ची वगैरह डालकर इस तेल प्याज मसाले ग्रेवी आइटम के साथ इसको अच्छा पकाने के बाद इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा गर्म मसाला भी डाल रहे हैं तो गर्म मसाला अच्छी तरह जितना स्वादिष्ट है जितना इसको ज़रूरत पड़ेगी उतना ही गर्म मसाला डालेंगे फिर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे इसको अच्छी तरह से इसे पकाने के बाद इसमें चिकन को मिक्स किया जा रहा है ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे इसको थोड़ा सा हल्का सा हल्की आंच पर इसको इस चिकन को यहाँ पर बॉईल करेंगे बॉईल करने के साथ साथ इस मसाले के साथ ही ये चिकन यहाँ पर पक कर तैयार हो जाएगा तो इसके बाद में ये ग्रेवी आइटम खाने का मज़ा ही कुछ और है इस चिकन ग्रेवी आइटम को अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो पर तो ज़रूर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चिकन चिकन बिट्टा ये चिकन का है हां सही है नहीं ये जबरदस्त है
हाँ दाल चावा ले रहे बाश मेरे शेर बाश मेरे शेर बाश गरम है कलीजा ले जाओ तो खत्म ठंडा है आज कलीजा खाने का स्पेशल कलीजा रात को डल्या 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 रे हमारे यहाँ मंडमौलिया टेस्टिंग कर रहे हैं खाना कैसा हुआ है देख रहे हैं बादशाह साहब कलीजा कैसा हो गया है बेहतरीन हुआ हम इनको अमेरिका से बुलाए हुए हैं टेस्टिंग के लिए बीजापुर के जाने माने मंडमौले हैं इन्हों टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट करके बताएंगे हमारे को खाना वाकई में ही कैसा बना है बोल के जबरदस्त हो गया है बोल के तारीफ कर रहे हैं बोले यार चेकिंग कर रहे हैं सब का घर के बड़े फिर को पड़े करते वैसा है रिजेक्ट जरा देंगे इधर ले जरा क्या हाथ में देता रिजेक्ट है क्या मार कता हो नहीं वहाँ मार कता सब मन माला का कलास कर रहे ये हैं दोनों लपुट मामू भांजे रामू श्यामू चंगू मंगू ये क्या जाफर साहब कैसा चले सीजन है बराबर चले साहब मटन का क्या है तेरा क्या चले ये चाहिए ये ग्रेक नहीं सर तुम्हें वो तो ग्रेक उस रहने वाले ओ भट है भटा रहा है ये आइन टाइम दगा देती हूँ कल क्या आवाज इनको कल क्या बकरी चला नहीं कहते ये उन्हीं कहा मजे का मिला नहीं सब तू नहीं मिला कुछ क्या ये नहीं मैं अकेला कैसे अच्छे कुछ मिट्टे पास बटन जाओ मजेदार समझो गबा 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 देता देता भी ये देख टावेल नोड़ा मगा बने नोड़ प्यांट नोड़ा हनर हटले हिड़ताल हेण मकड़ हनर हंग ग्यारह महीने पेट ले बेटा क्या चोर मचाए शोर लोग चोरी करके यहाँ पर मलिदा खा रहे हैं चोरी का ठंडा पीने अरे क्या चोरी चोर मचाए शोर अरे क्या टाइगर प्लेटा मार रहा है भी आशीष पे लो 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 वो कहाँ गए इन्हों जापर प्लेटा लो प्लेटा शर्म रह गया ये भाई पसीना है पानी कैसे नहीं देख रहा है प्लेटा लो ये प्लेटा बड़े
सुबोध राणा नहीं मेरे पास है, सुबोध राणा नहीं मेरे पास है। बोकड़ बहुत बड़ा है वह यार, उसका तो रफी बोकड़ से क्यों कर रहे हैं बोकड़ हमारा ये वाड़ी वाड़ी में चलता हूँ। अबे वीडियो शुरू करे सर, अभी एंड कौन करने वाले है? तू करने वाला एंड खाना कहा आप इधर बाबू, ये सब शीशी लगे हैं, शीशी कैमरे लगे हैं। चार पाँच दिन तो आज यहाँ पर आज वली माँ और शादी का फंक्शन तो खत्म हो चुका है, तो अभी सब लोग हम लोग खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर आज सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक दोपहर के 4 बजे हैं, तो यहाँ पर हम लोग खाना बना कर लोगों को खाना खिला कर ये सब ब्लॉग हमारे बीजापुर स्टाइल में हमने आपको बताया है। तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर ऑन कर लीजिए। तो चले चलते हैं हम लोग खाना खाने के बाद खत्म करते हैं।